नमस्कार, रिपब्लिक इवेक्स कैश स्टूडियो से आप देख रहे हैं महाभारत। आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। इस कोरोना काल में हर देश एक जंग लड़ रहा है, कोरोना से जंग, लेकिन एक देश ऐसा भी है पाकिस्तान जो अभी भी बुजदिली में हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ने की फिराक में है। और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हंदवाड़ा में हमने अपने 5 जाबाजों को खो दिया, लेकिन उससे पहले 2 आतंकी ढेर कर दिए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान अभी भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में पाकिस्तान का पक्का इलाज आखिर क्या है? कब तक हम अपने जाबाजों को यूं खोते रहेंगे? इसी पर आज की महाभारत। पहले ये रिपोर्ट। हंदवाड़ा में पाकिस्तान के 2 और आतंकवादी जहन्नुम पहुंच गए। सेना ने मुठभेड़ में लश्करे तैयबा के टॉप कमांडर हैदर समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। लेकिन आतंकियों से लोहा लेते हुए मां भारती के 5 वीर सपूतों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन शहीदों के अदम्य साहस और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कामयाबी बहुत बड़ी इसलिए है कि लश्करे तोयबा का जो एक टॉप कमांडर हैदर था, हंदवाड़ा में नॉर्थ कश्मीर के अंदर में उसको मार गिराया गया। जो दुख की बात मुझे लगती है, वो दुख इसलिए मैं प्रकट करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हमारे से भी चूक हुई है। देखिए, 48 घंटे से ऑपरेशंस चल रहे थे और इसमें कहीं ना कहीं हमारी कहीं चूक रह गई, जिसके कारण हमें इतनी बड़ी क्षति और इतनी बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। दरअसल सेना को उत्तरी कश्मीर में हंदवाड़ा के एक गांव में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इन दहशतगर्दों ने चंगी मुल्ला इलाके में एक मकान में नागरिकों को बंधक बना रखा था, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर आतंकियों को मार गिराया। हिंदुस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वाला आतंकवादी बचकर नहीं जा सकता है। पाकिस्तान चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। कोरोना से पाकिस्तान की जनता अपनी जान गंवा रही है, लेकिन फिर भी वो आतंक और आतंकवादियों की घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन इस बार कोरोना के साथ साथ पाकिस्तान का भी पक्का इलाज करना होगा। और इस कोरोना काल में भी वो पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, उसका पक्का इलाज क्या है? मेरे साथ जो मेहमान आज महाभारत में जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपसे कराऊंगी। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ गए हैं, मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब जुड़ गए हैं, मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा जुड़ गए हैं, विंग कमांडर प्रफुल बख्शी मेरे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह मेरे साथ हैं, और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ मेजर गौरव आर्य आ गए हैं, मेरे साथ अमन सिन्हा बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर में जुड़ेंगे, मेरे साथ मनस्वी थापर हैं, वकील हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही हैं संजीव कौशिक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का महाभारत में। और मैं शुरुआत करना चाहती हूं मेजर जनरल जीडी बख्शी के साथ। मेजर जनरल जीडी बख्शी, हमने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि हम अब सॉफ्ट पावर नहीं है, हम वो देश नहीं है जो कि हमले सहेंगे। हम मुंह तोड़ जवाब देते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट का हमला हो, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान जब अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है सर, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का हमला करना चाहिए? पाकिस्तान को क्या इलाज समझ आएगा? देखिए, पाकिस्तान को आपको उतना कष्ट देना पड़ेगा जब तक उसे समझ नहीं आ जाए कि ये मुफ्तखोरी की लड़ाई नहीं चलेगी। आप हिंदुस्तानी खून गिराते रहो और आप सोचो कि आप जो है बिल्कुल साफ दामन बचा के निकल जाओगे, बहुत भारी गलतफहमी है। देखिए, हमने पाकिस्तान को ठोका था उड़ी के बाद, 3-4 महीने शांत रहा, फिर हमको लेसन दोबारा रिपीट करना पड़ा जब उसने पुलवामा में 45 भारतीय जो हमारे शहीद किए, फिर बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई, कोई एक साल शांत रहा। और अब फिर उसकी चुलबुली उसको इसलिए आई है कि उसने एकदम से देखा कि सारी दुनिया का ध्यान, सारी दुनिया का सर तो इस वक्त दबा हुआ है कोरोना वायरस को लेकर। उसने ये बड़ा सुनहरा मौका समझा कि जब दुनिया सारी जो है कोरोना वायरस के साथ जूझ रही है,
मैं ये मौका उठाकर मैं जरा वार कर दूं जितने सारे मैं कर सकता हूं। हमने उनको एक संकेत दे दिया था अभी कोई पिछले महीने, जबकि हमने नीलम घाटी में उनकी एक आर्टिलरी बैटरी, एक उनका एमिनेशन डंप और एक उनका जो हमने टेररिस्ट लॉन्च पैड बर्बाद किया था। पुंछ में हमने फिर कुछ दिन पहले उनको एक हल्का सा ट्रेलर दिया है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है, और ऐसे अनाड़ी को अच्छी तरह मार लगाना अब ये समय बिल्कुल उपयुक्त हो गया सर, है। ना समझी तो है ही। ये मुल्क रोता हुआ आता है, हमसे कहता है हमें कोरोना की दवाई दो, हाइड्रोक्लोराइल की हमारी जो टैबलेट्स हैं वो भीख में मांगता है, और जवाब में ये हमारे जवानों की शहादत लेता है। अरे साहब ये नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, और पाकिस्तान शुड बी रेडी फॉर एज मच मेडिसिन एज इट रिक्वायर्स। हमने जितनी अपने इनको चाहिए, जब तक कि दे नॉट देयर हेड सेजली, बिल्कुल मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं यही बात कह रही हूँ। इस वक्त हर मुल्क एक जंग लड़ रहा है और वो जंग सब नागरिक मिलकर लड़ रहे हैं, वो कोरोना की जंग है, लेकिन ये पाकिस्तान है जो अभी भी उस कोरोना की आड़ में अपनी घुसपैठ, अपनी जंग की साजिश लगातार रच रहा है। जो हंदवाड़ा में आज हुआ वो उसके एक उदाहरण भर है, लेकिन ये लगातार कोरोना से जंग नहीं, हिंदुस्तान के खिलाफ बुजदिली भरे वार कर रहा है। मेजर आर्य, सुचारिता, दो तीन पॉइंट में जल्दी से कहना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि आपने हंडवाड़ा की बात करी। हाँ। हंडवाड़ा तो काफी टाइम से हॉट है, जब जनरल गुरमीत वहां पे कोर कमांडर थे तब से हॉट है वो। दूसरी चीज है पुलवामा। ये पुलवामा हमारे देश में होते रहेंगे, हंडवाड़ा हमारे देश में होते रहेंगे। आप नेशनल वॉर मेमोरियल जाइए जो कि दिल्ली में है, आपको वहां पे हजारों हजारों नाम ऐसे शहीदों के दिखाई देंगे जिन्होंने कश्मीर में अपनी प्राणों की आहुति दी। ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए, ये गलती हमारी है, गलती पाकिस्तान की नहीं है। हमारी कैसे गलती है? हमारी इस तरीके से गलती है कि जब हमें पता है कि परेशानी पाकिस्तान से है तो हम कश्मीर में ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? पहली बात, हम लोग ऑपरेशन ही इतने सालों से, 30 सालों से हम गलत जगह ऑपरेशन कर रहे हैं। आपको पता है प्रॉब्लम रावलपिंडी में, फिर भी आप श्रीनगर में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो यही चीज होगी। अगर आपके सर में दर्द है और आप पैर का इलाज कर रहे हैं तो फिर ये मत सोचिएगा कि सर का दर्द फिर दूर क्यों नहीं हो रहा मेरे, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं कई बार ये एग्जांपल, ये उदाहरण देता हूं, आज फिर ही उदाहरण दूंगा क्योंकि जरूरी उदाहरण देना। आपके घर के आगे एक लॉन है, लॉन की घास बढ़ती है, आप लॉन की घास काटते हैं हर हफ्ते, इसमें लॉन के घास की गलती नहीं है लेकिन फिर भी घास कटती है। सुचरिता, कहने का यह मतलब है कि चाहे पाकिस्तान की गलती हो ना हो, आपको हर हफ्ते उसकी घास काटनी है। जनरल जीडी बख्शी यही बात कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं इसी चैनल पे कि भाई आप इसका वेट मत करें कि पाकिस्तान आपको अटैक करे और उसके बाद आप पाकिस्तान को जवाब दें। आप क्यों वेट करते रहते हैं कि पाकिस्तान ने पुलवामा करा तो हमने बालाकोट करा? आपको किसने रोका है कि आप हर हफ्ते बालाकोट करें या कुछ वैसे ही नेवी से ऑपरेशन करवाएं, एयरफोर्स से करवाएं, कोई भी कर सकता है ऑपरेशन, सब सक्षम है, ये क्यों नहीं करते? और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए कहीं ना मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं कर रहा, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स। मैं गवर्नमेंट को या किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, पर कहीं ना कहीं हमें एक बात समझनी होगी, ठीक है, कि क्या हम अपने फौजियों की जान इतनी सस्ती समझते हैं कि हर रोज हमारे पास खबर आती है और हम कुछ नहीं करते? आज भी जो हमारे शहीद हुए हैं साथी, क्यों शहीद हुए? अंदर सिविलियंस थे, उन्होंने आके पकड़ लिया, उनको पड़ा था कि फौजी आएंगे, वो तो मरने के लिए आ रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है, वो एक मदरसा से ग्रेजुएट आया है, वो ड्रग एडिक्ट है मोस्ट प्रोबेबली, उसके माँ बाप को 2-4-5 लाख रुपए दे दिए, वो हिंदुस्तान में, उसको तो बस अपना वेपन ऐसे आगे मोड़ना है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है नहीं ज्यादा, उसने मार दिया हमारे इतने वेल ट्रेंड फौजी। तो ये चीज चलती रहेगी जब तक आप पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को लगातार ना ठोके। आप इसका वेट मत करिए कि पाकिस्तान को पुलवामा करे या कोई उड़ी करे, मत वेट करिए आप। मैं हमेशा ये बात, सुबह से हम ये बात कर रहे हैं कि कोरोना योद्धाओं को सलाम, कोरोना योद्धाओं को नमन। और आज हमारे हंदवाड़ा में जो हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, हमारे अफसर शहीद हुए हैं, लेकिन ये वो अफसर हैं जो लगातार, चाहे कोरोना काल हो या कोई भी काल हो, लगातार सरहदों पर हिफाजत में जुटे रहते हैं, लगातार। ऐसे में पाकिस्तान का इलाज क्या है मनस्वी, पाकिस्तान का इलाज क्या है? देखिए 70 साल के, बिल्कुल
मैं बहुत सामान्य हूं, जीडी बख्शी साहब जी यहां पे हैं, मेजर आर्या जी यहां पे हैं, पर ये 70 साल की आज़ादी के बाद दोनों मुल्क एक साथ आज़ाद हुए, आज भी हमको पाकिस्तान की हरकतें पता है, वही है पीछे से वार करना फिर पलटवार करना, यही हरकत है। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है, भारत बहुत गौरवशील देश है। अभी जिस तरीके से जीडी बख्शी जी ने बोला और गौरव जी ने बोला, अभी ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, हमारे वो अटैक कर लें उसके बाद हम री अटैक करें वैसी स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। अब हमारे को सीधा वार पाकिस्तान को एक सबक सिखाना पड़ेगा कि भारत जो है आपसे मीलों दूर है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम चांद, मार्स, मंगल सब जगह पहुंच चुके, आप अभी भी कश्मीर कश्मीर खेलते हो, आपके पास और कुछ लेना देना नहीं है। अब भारत को उसका सही जवाब देना पड़ेगा जो 70 सालों में हमने नहीं दिया, हमने कभी भी पहले अटैक नहीं किया। क्या है हमारे 10,000 साल मैं तो ये कह रही हूं कि आप ये कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट नहीं, लेकिन जब वो होता है तो उस पर भी आप सवाल उठाते हैं, उस पर भी तो सवाल उठाते हैं, उसमें कहां साथ नहीं, सुचारिता जी, मैंने कभी नहीं किया, मेरी कोई भी आप डिबेट देख लीजिए, मैंने कभी ऐसी सवाल नहीं उठाए। जब देश की बात करिए, अभी देश की बात करिए, सुचारिता जी आप शब्द मत डालिए, अभी देश को पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, और बिल्कुल पूरा देश मेजर आर्या के साथ है, जीडी बख्शी जी के साथ है। हमारे देश में कोई भी आंख उठा के देखेगा हम नहीं टॉलरेट करेंगे, हंडवाड़ा में जो हुआ ये आखिरी होना चाहिए, इसके बाद देश में कोई भी ऐसी हरकत पाकिस्तान करे उसका जवाब हमको सीधा उनको उनका गला पकड़ लेना चाहिए, ये अब नहीं टॉलरेट होगा इस देश में। हंडवाड़ा में जो हुआ वो आखिरी होना चाहिए, ये कैसे सुनिश्चित होगा? मेजर जनरल केके सिन्हा, मेजर जनरल केके सिन्हा और विजय कौशिक, संजीव कौशिक को मैं लूंगी, मेजर जनरल केके सिन्हा, ये कैसे इंश्योर होगा, ये कैसे सुनिश्चित होगा? देखिए सुचारिता जी, ये सुनिश्चित हो चुका है, इसमें सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं है। इरादा, हमारी इच्छा शक्ति सब चीज है, मगर कहीं पर जमीन पे दिखता नहीं। देखिए, एक सर्जिकल स्ट्राइक, एक बालाकोट, आप ये सोचें कि हमने शायद कर लिया आर्टिकल 370 35A रीऑर्गेनाइजेशन, ये आप यदि सोचते हैं पाकिस्तान के मामले में, तो ये सही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर में जब ये तंजीमें हैं, कैसे तंजीम है? सुचारिता, पिछले 6 सालों से लगातार हम पाकिस्तान के आतंकवाद की कमर तोड़ के चले गए, कौन सी कमर हम तोड़ रहे हैं? दोबारा हर दो महीने, एक महीने के बाद की कमर सीधी हो जाती है और सीना तान के खड़ा हो जाता है। अपने कम से कम एक बार समीक्षा करें। एक मिनट संजीव जी, उनको बात करने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। बहुत बात कर लिए, बोलिए, सुने, बोलिए। मेरे सुचारिता जी, सुचारिता जी, आपने मेरे से सवाल किया है जी जी कि जी, कब आएगा ये समय? आप कहती हैं ये जो पांच नाम मैं गिनाता हूं, कर्नल आशुतोष, मेजर सू, नायक रमेश, लास्ट नायक दिनेश, इंस्पेक्टर सकी, इनकी शहादत पे हमें नाज है, पर मुझे गुस्सा भी आता है। 48 घंटे से उनके ऊपर पत्थरबाजियां हो रही थी, हम 20 मिनट में ये ऑपरेशन खत्म कर सकते थे, मगर ये हमारे जन बाकुड़े अपनी शहादत को देख करके उनको हॉस्टेजेस को बचाते हैं, मगर आज क्या उनकी है? केवल हम शहादत देने के लिए आए हैं? आज शहादत देनी है तो पाकिस्तान के उस पार देना होगा, और हॉस्टेजेस बना लिया, और ये लोग यही तो फर्क है भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में सर, यही तो फर्क है भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में। हमारे लिए हमारे नागरिकों की जान कितनी अनमोल है, उसका ये उदाहरण है कि एक एक व्यक्ति को निकाला, उसके बाद ही वहां पर कोई अटैक हुआ, कोई एनकाउंटर आगे बढ़ा, ये बड़ी बात है। लेकिन विजय कौशिक जी, इन 6 सालों में आपको कोई गौरव का पल नजर नहीं आया? संजीव जी माफ कीजिए, पहली बात मैं संजीव कौशिक हूँ सुचारिता, और दूसरी चीज मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछले छह सालों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनी सरकार ऐसी कौन सी कमर तोड़ रही है आतंकवाद की कि हर 2 महीने पे वो तन के खड़ा हो जाता है? हमें अपने नीतियों पे विचार करने की जरूरत है। आप जब ऐसा कहते हैं ना संजीव जी, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जब आप ऐसा कहते हैं ना, तो आप उन सारे एफर्ट्स, उन सारी शहादत, उन सारे एफर्ट्स को एक तरह से
नकारते हैं जो भारतीय सेना लगातार कर रही है। नहीं को मिलेंगी संजीव जी, आप उन सब जो काम था आप सब कुछ नकार रहे हैं, जो लगातार सेना कर रही है उस सबको नकार देंगे क्या? कौन से एफर्ट्स आप पूछ रहे हैं? सुचारिता हमें ये बताइए कि सेना को जो करना चाहिए था सेना वो काम कर रही है? आपने आप भारतीय सेना की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, से लगातार हम देख रहे हैं। नहीं नहीं आप हमें ये बताइए संजीव जी, हमने 62 की लड़ाई देखी, हमने 65 की लड़ाई देखी, हमने बांग्लादेश की लड़ाई देखी, हमने पाकिस्तान की लड़ाई देखी, कब ऐसा हुआ कि सीधे सेना के प्रमुख की लड़ाई नहीं है, 65 की लड़ाई नहीं है? अरे संजीव जी आप बार जब सवाल उठाते हैं तो पिछले 6 साल में क्या सेना का कोई पराक्रम आपने नहीं देखा? यहाँ तो उससे बड़ा कदम उठाने की बात हो रही है। एक मिनट, इस तरह की घटनाएं होती रही। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, बताया नहीं ये काम है सेना का? मैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के पास जा रही हूँ। आपने जो सवाल उठाया लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का, पिछले 6 सालों में ऐसा कोई मौका नहीं हुआ कि संजीव कौशिक की छाती चौड़ी हो जिससे वो गर्व महसूस कर सके? यहाँ तो आगे का कदम उठाने की बात हो रही है। सेना की सवाल पे उठाते बहुत लगातार शर्म की बात है। सेना को आगे करके बहुत शर्म की बात है कि इस तरह से बात कर रहे हैं, चाहे वो आज के दिन हो या अन्य मौके की बात हो। आज यदि मजबूत सुनिए साहब, नहीं नहीं सुनिए, पहले सुनिए, सुन लीजिए, पहले लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को सुन लीजिए, सुनाइए, आप कृपा करके सुन लीजिए। आज का दिन बहुत गर्व का दिन है, आज का दिन बहुत दुख का भी दिन है। गर्व का बात यह है कि हमारे ये योद्धा हैं, दोनों बातें कैसे हमारे हो सकती जो सैनिक है? हैं तो शर्म करें, नहीं तो गर्व सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। ये जो आपकी बीच में बात करने की आदत है इसके कारण पूरी गड़बड़ होती है। आप इकट्ठे नहीं है देश के साथ में, आप देश के साथ में इकट्ठे नहीं है, आपको मालूम नहीं है, आप कभी उस जगह में गए नहीं है। मैंने 21 आर को अपने साथ देखा है, ये मेरी टीम का हिस्सा रहे हैं। आज पूरे दिन भर सेना को कहां उलझा के रखा गया? सेना का काम यही था, सेना का काम यही था। इतना दुख हो रहा है, लोग रोटियों के लिए तरस रहे हैं और आप गुलाब के फूल। सुनिए संजीव जी, पहली बात तो ये है कि आप सेना का काम क्या था उसको सवाल करने वाले कौन? आप सेना की गतिविधियों पर सवाल उठाएंगे? सेना क्या कर रही है, सेना किस तरह के परचम लहरा रही है, सेना किस तरह ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, उस पर आप सवाल उठाएंगे? एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते आप सवाल उठाएंगे? सेना का इस्तेमाल गलत हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक मिनट, मैं इनको एक चीज का जवाब देना चाहता हूँ। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं ना सेना का यही काम है, आप लोगों ने सेना प्रमुख को और सेना को गाली दी, इसीलिए आप लोग पार्लियामेंट में बिल्कुल जमीन धूल चाट ली। अगली बार आप अंडरग्राउंड हो जाएंगे 2024 में। आप लोगों को अभी तक अकल नहीं आई है कि लोग क्या चाहते हैं? सुनिए मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप लोगों को आपकी पार्टी वाइप आउट हो गई है, वाइप आउट, कांग्रेस का नामो निशान मिट गया है, क्योंकि आप लोगों को अभी तक बुद्धि नहीं आई कि किसके सामने क्या मुंह खोलना है और किसके सामने क्या बात करनी है। कभी वो कहता है सड़क का गुंडा, कभी कहता है सर्जिकल स्ट्राइक, लोगों ने भिगा भिगा के मारा, समझ में नहीं आया। कब समझोगे? दूसरी चीज, आप कौन होते हैं सेना को बताने वाले की सेना करे ना करे? आप तो पूछ के सेना जुबान पे चुप्पी लगा दे, ताला लगा देंगे आप, दीजिए समझे, सच बोलना छोड़ दे, पता है नहीं, सुनिए, कुछ पता नहीं तो चुप रहिए। आप सेना का इस्तेमाल करेंगे? कुछ नहीं पता है, आपको कोई जानकारी नहीं है, जीरो नॉलेज है। पता नहीं किसने गलती से बुलाया, क्या पता नहीं है, आप मुझे बताइए ना, आपको जीरो नॉलेज है, जीरो। आज सेना के जवानों की हत्या हो गई, आप हमें समझा रहे हैं, पता ही नहीं है मेरी बात? ये काम है सेना का? आपको सरकार की जिस नीति में बोलना है बोलिए, आपको सरकार की भाजपा की जिस नीति में बोलना है बोलिए। आप सेना को ये नहीं बता सकते कि सेना को क्या करना चाहिए? जवानों को शरहत पर जरूरी है, पूरा दावा नहीं करी अपने जीवन में भाई साहब, कि आप सेना को ये समझाएंगे क्या? सेना को शोभा देता है, सेना को जो करना है सेना करेगी। आपसे पूछने की और आपका जो मालिक है 10 जनपद में उससे पूछने की आवश्यकता नहीं है सेना को, समझे? पहले क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में, विंग कमांडर बदल गई है, कोई इंटरेस्ट नहीं होता आपसे। सवाल करना बंद नहीं करेंगे? सवाल किससे करेंगे आप? सवाल किससे करेंगे आप? संजीव जी सवाल किससे कर रहे हैं आप? सवाल कर किससे रहे हैं? सरकार से करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, आप सेना के ऑपरेशन में सवाल किससे उठाएंगे? आपको मोदी जी से, आपको मोदी जी को सवाल करना है, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, गर्व करूं या सभी से मैं डूब जाऊं यहीं पे, मुझे कोई हमारे पांच जवानों की हत्या हो गई है, आप बताइए ना मुझे, मैं गर्व करूं? संजीव जी एक मिनट आप पूछे सवाल, पूछ लीजिए, क्या कह रहे हैं आप? हत्या हो गई है उसके लिए शर्म करूं मैं? किस लिए बताइए? मैं कह रहा हूं कि मैं फूलों
फूलों की बारिश के लिए गर्व करूं या जवानों की हत्या हो गई है उसके लिए मैं शर्म से डूब मरूं? आप क्या सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, प्रश्न ये नहीं है, सुनिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज 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 राहुल गांधी टाइप की बात मत करिए जो मुंह खोलता है अपने आपको एक्सपोज करता है, प्लीज ऐसी बातें मत करिए यहाँ पे। ये काम अलग है, वो काम अलग है। सेना सरहद पे लड़ रही है, शहादतें दे रही है, देती आई है, सुनिए, सेना सरहद पे शहादतें देती आई है, आपको और मुझे सेफ रखती आई है, और यहाँ पे जो काम कर रहे हैं हम सलूट कर रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स है वो भी जरूरी है, सारे काम एक साथ चलते हैं। सेना को क्या शोभा देता है? आप इतने बड़े नहीं हुए ना, आपका लीडर इतना बड़ा हुआ है कि हमें समझाया क्या करना है? मैं मेरे जनरल मोदी जी से, मैं मेरे जनरल जीडी बख्शी को ले रही हूँ एक बार। सुनिए संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, रोटी आप जब ये बात कहते हैं सुन लीजिए मेरी बात, संजीव जी, संजीव जी मेरी बात सुनिए, सेना को क्या करना है नहीं करना है ये सवाल नहीं उठाएंगे आप, ये सवाल मत उठाइए, ये मौका भी नहीं है, ये मौका भी नहीं है। मेरे जनरल बख्शी, मेरे जनरल बख्शी, मेरे जनरल बख्शी, यहाँ पर सवाल उठाने हैं सरकार की नीतियों पर, सवाल उठाइए आर्मी के, सेना के ऑपरेशंस पर, सवाल क्यों? देखिए आर्मी का इस्तेमाल किया जा रहा है सुचारिता, मैं क्यों ना सवाल खड़ा करूं? है मिलिटरी ऑपरेशंस में सवाल है, सवाल दबा दिए जाएंगे, आपको सिर पैर नहीं पता। आप देखिए लगातार मत बोलते जाइए, मैं मेरी सुन लीजिए किसी और की। आप मुझे बताइए जब मुंबई में हुआ था आपका 26/11 तब क्या किया था आपने? आज आप सवाल खड़े कर रहे हैं और एक्चुअली हमारे जो ऑपरेशन, आप भी वही कीजिए, आप भी वही कीजिए, तब उसने वैसा किया था इसलिए आप ऐसा कीजिए, आप भी वही करना चाहते हैं ना, कीजिए आप भी वही, आपने और उसमें कोई अंतर नहीं है। आज वो गायब है, कल आप गायब हो जाएंगे, लोग ही कह रहे हैं हिंदुस्तान क्या होता है संजीव जी, एकजुट नहीं है हिंदुस्तान के लोग ही एकजुट नहीं है, ये आप दिखाते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान को किसने कह दिया? आप बैठ के क्या करेंगे? तो शायद ये लोग बचाएंगे नहीं है, सारे लोग ये हमको तो पाकिस्तान के जो पाकिस्तान पसंद लोग हैं हिंदुस्तान में वो बचाएंगे। संजीव जी पहले तो एक बात याद रखिए, दैट यू आर स्पीकिंग टू अ वॉर वेटरन। मैं आपसे एक बात कह दूं कि आप इस बात को याद रखिए कि आप एक वॉर वेटरन से बात कर रहे हैं जब आप मेजर जनरल जीडी बख्शी से मुखातिब हैं, इस बात को मत भूलिए। और जो लोग जंग लड़े हैं, सुन लीजिए मेरी बात सुनिए, जो लोग जंग लड़े हैं, जो सरहदों पर लड़े हैं, जिन्होंने देश की रक्षा की है, जो वॉर बहुत सम्मान है, जिन्होंने 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 इस जंग को जिया है, उनसे सवाल पूछ नहीं सकते आप, और वो ही बताएंगे ना कि असली इलाज क्या होगा पाकिस्तान का, या आप बैठकर बताएंगे? नहीं, ये बैठकर बनाएंगे, आप बताएंगे ये नहीं करें। मैं तो ये कह रहा हूँ, सुनिए, मैं तो सुचारिता ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जनरल साहब, जनरल जीडी बख्शी सर बैठे हैं, यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता, जनरल के सिन्हा बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता, पता इनको है भाई साहब को, सब कुछ इनको पता है, सर आपको पता है, आप सिखाइए उन्हें, बहुत ज्यादा जानकारी है, सुनिए जनरल जीडी बख्शी सर, जनरल जीडी बख्शी सर हमारे लिए पिता समान है, हम उनसे सीखते हैं, पर उनको कुछ नहीं पता, पता आपको है सर, पता तो आपको है, सारे ज्ञान का दरोहर आपसे निकलता है, मालिक मालिक आपको पता है, लेकिन जब वो आपको पता है, आप सिखाएंगे जनरल साहब को, आप सिखाएंगे जनरल जीडी बख्शी साहब को कि इंडिया को क्या करना चाहिए मैदान जंग में, और जनरल बिपिन रावत को सीडीएस क्या करना चाहिए आप बताएंगे, सिखा दीजिए सर, ज्ञान लेने के लिए बैठे सब लोग, आपके भी हैं और मेरे भी हैं, लेकिन आप नहीं सर, आपकी पार्टी चीफ को सड़क का गुंडा कहती है, आपकी पार्टी सड़क का गुंडा कहती है चीफ को, फिर आप कहते हैं आप इज्जत करते हैं, कहां चले गए आप, कहां चले गए? नहीं, हम ठीक जगह गए हैं, कहां चले? और मैंने असली नब्ज पकड़ी है, सर्जिकल स्ट्राइक्स कहती है आपकी पार्टी, सर्जिकल स्ट्राइक्स को, खून की दलाली कहती है आपकी पार्टी, सर्जिकल स्ट्राइक्स को, और अब आप ये कहते हैं कि जवाब नहीं दिया जा रहा, अरे एक बार भी आपको एक बात पता है, आपको पता हंडवाड़ा में कैजुअल्टी क्यों हुई? आप मुझे आपको पता हंडवाड़ा में कैजुअल्टी क्यों हुई? आपको नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि हंडवाड़ा है किधर? ये तो सबसे बड़ी बात है, बातें करने आ जाते हैं नेशनल टीवी पे, इनको यही नहीं पता हंडवाड़ा कहाँ पे, कर्नल शैलेंद्र इनसे कोई पूछे कहाँ पे हंडवाड़ा, मैप पे कैसा दिखता है? मेरे सवाल का जवाब नहीं है, इनको ये पता है मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह आपके पास आऊंगी, लेकिन साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दूं कि तस्वीरें पुलवामा एनकाउंटर की भी सामने आ गई है, पुलवामा में जो एनकाउंटर हुआ, किस तरह पाकिस्तान लगातार एक ऐसे समय में जब कोरोना की ये जंग लड़ रहे हैं हम सब,
वो किस तरह से लगातार आतंकियों को भेजकर आतंकी घुसपैठ कराकर इस तरह के एनकाउंटर्स को अंजाम दे रहा है। ये तस्वीरें देखिए पुलवामा की, पुलवामा में कल देखिए किस तरह एनकाउंटर हुआ था और वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार सीज फायर वायलेशन, सीज फायर पे का उल्लंघन, लगातार गोलीबारी, पुलवामा में किस तरह से हमला हुआ, पुलवामा का एनकाउंटर, आज हंदवाड़ा का एनकाउंटर, पाकिस्तान किस तरह से बुजदिली पर उतर आया है, कैसे समय में जब उसे अपने ही नागरिकों की रक्षा करने चाहिए कोरोना से, लेकिन कोरोना तो पीछे छूट गया। ये समय है फायदा उठाने का और ये समय है एक बार फिर बुजदिली की आड़ में इस तरह के हमले प्लान करने का। ये तस्वीरें देखिए पुलवामा की आपको दिखा रहे हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास मैं आ रही हूँ। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मैंने सवाल तो सेना से पूछा, मैंने सवाल पूछा कि क्या इलाज पाकिस्तान का होना चाहिए। दुखद है सर कि एक ऐसे समय में हम अपने अपने वॉर वेटरन्स पर या अपनी सेना के ऑपरेशंस पर सवाल उठाने बैठ गए। देखिए ऐसा है, बड़ा शांति से इस बात को सोचना चाहिए। हम जैसे बहुत बहुत समय हो गया, कुछ साल हो गए हैं हम इस बात की पे चिंतन करते हुए और डिस्कशन करते हुए। जनरल जीडी बख्शी को मैं कब से सुन रहा हूँ, हम दोनों इकट्ठे ये बात कर चुके हैं और ये सारी की सारी बात ये है, एक चीज ही आप मान के चलिए कि जब तक पाकिस्तान को दर्द नहीं होगा वो तब तक ये काम करता रहेगा, उसके लिए यह है। पर हमको ये भी पता होना चाहिए हमारे अब स्थिति बदल चुकी है। जब पुलवामा के बाद में बालाकोट किया और उरी हुई और बालाकोट हुआ, उसके बाद अब चेंज आने लगा है। हमको थोड़ा सा और पेशेंस दिखानी चाहिए और अपने देश का और फौज का और प्लानर्स का साथ देना चाहिए। इस समय हमको भयंकर इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, इंटरनल सिक्योरिटी की ज़रूरत है। जो कल हंदवाड़ा में हुआ वो इंसिडेंट ना हो, हमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। जो एक्शन अब लेने वाली है हमारी फौज अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट, वो होके रहेगी, वो दुनिया देखेगी, तब आप बोलेंगे। मेरे को उसके बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं बोल चुका हूँ। मैं अब पीओके के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी हमें धीरज रखना है और पेशेंस रखनी है और अब फौज का हौसला बढ़ाना है। इस समय ऐसे जो लोग बैठे हमारे साथ में जो अपनी सियासती रोटी पकाते हैं उनका मुंह बंद करना है, ये सबसे बड़ा काम है। जो फौज करेगी और देश करेगा वो होके रहेगा, वो आपको कुछ चंद महीनों में मिल जाएगा, सामने आ जाएगा। बाय मार्च 20 अगले साल आपको रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। हमें इतना ज्यादा विचलित नहीं होना, हमको धीरे धीरे की भी बात कर रहे हैं। दोनों में से एक ही बातें होंगी ना, या तो आप सबक सिखा लेंगे, कौन सी बात होगी, कौन सी बात होगी संजीव जी, या तो आप सबक सिखा लेंगे, तो समस्या क्या नजर आई अब आपको, समस्या क्या नजर आई, क्या कौन सी बात होगी? मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों में से एक ही बात होगी, या तो आप चुपचाप मुंह पे पट्टी लगा के धैर्य रखिए, नहीं तो आप सबक सिखाइए। दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी, दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। और रही बात की सेना के सबक नहीं सिखाएगी, कैसे कहा नहीं चलेगी, सारा हिंदुस्तान चलेगी, आपको कुछ नहीं पता कैसे चलेगी, आप बताइए मुझे, आप बताइए, आपको मुंह तोड़ जवाब देना है या धैर्य रखना है ये बताइए। इसी तरह से धैर्य रखते रहिए, रोजाना 5-10 हमारे सैनिकों की हत्या होती रहेगी। मेजर जनरल जीडी बख्शी, ये सैनिकों की हत्या, ये जब लड़ाई होती है दोनों तरफ से होती है, आपको ये पता होना चाहिए, आपको इतना 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 ज्ञान होना चाहिए। जब गोली चलती है सैनिक हमारे, जनरल जीडी बख्शी आप हमें बता रहे हैं, दुश्मन की विशालता होती है। एक मिनट, मेजर जनरल जीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं। सर ये सवाल हमने क्या, भारतीय सेना ने क्या कुछ नहीं किया पिछले कुछ समय में, ये क्या कह रहे हैं? मैं तो ये पूछ रही हूँ संजीव कौशिक, ये कह भी कैसे सकते हैं कि सबक कब सिखाएंगे, सबक नहीं सिखाया क्या? प्रॉब्लम ये है, हमारे देश में हमारी सेना, हमारी वायु सेना, वो दुश्मन को चोट लगाती है और कुछ लोग मलहम पट्टी करने जाते हैं, सारा असर खत्म हो जाता है।
जब पाकिस्तान वाले कहते हैं जरा इसीलिए मैं कहता हूं कि बख्शी साहब आपके भी नियम क्या कह रहे हैं जब आप राजनीतिक बातें करते हैं कोई मरहम लगाने नहीं आता है हिंदुस्तान का हर एक नागरिक हिंदुस्तानी सेना के साथ है आपके जहन में ये बात जो घुसी हुई है उसको आप निकाल सकते हैं मरहम पट्टी करना बंद करिए ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी बात ना बोले काम है हमें करने दीजिए क्योंकि उस काम के बारे में आपको सिर्फ पैर नहीं पता लातों के भूत बताती है बातों से नहीं मानते और आपने अपने पूरे कार्यकाल में एक बार भी जवाबी कार्रवाई नहीं भूत है तो लातों से आपने दुनिया को हवा बना के बता दिया न्यूक्लियर युद्ध आप मुझे बताइए कौन सा न्यूक्लियर युद्ध हुआ कारगिल के बाद कौन सा न्यूक्लियर युद्ध हुआ बालाकोट के बाद डरा डरा के आपने जो है ठंडे पसीने निकाल के रखे हुए थे पिछली सरकारों के संजीव जी फिर उस बात पे आके लग गए देखिए ये संजीव जी जब बालाकोट होता है जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है उस पर आप सवाल उठाते हैं यहाँ बैठकर आप कह रहे हैं सीधे सबक सिखाइए अभी तो आप जंग की बात भी कर देंगे लेकिन अगर जंग होगी तो सबसे पहले सवाल भी आप ही खड़ा करेंगे मैं आपको बता दूं अमन सिन्हा साहब जुड़े हुए हमारे साथ अमन सिन्हा जी सुनिए ना आप सवाल पूछ रहे हैं अमन सिन्हा जी का डर दिखा दिखा के आप राजनीति कर संजीव जी के हिसाब से तो कोई सबक नहीं सिखा गया अभी तक संजीव जी के हिसाब से तो कोई सबक नहीं सिखाया अभी तक सुचारिता जी मैं बड़े धैर्य से सबकी बात सुन रहा था जी। आपने आखिरी में मौका दिया है आपको धन्यवाद दूंगा सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा हमारे वीर जवान वीर सैनिक जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया उन सभी को मैं नमन करता हूं उन सभी परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और मैं कहना चाहूंगा कि संजीव कौशिक जैसे लोग इनकी पार्टी के लोग जो कि मुझे बड़ा दुख है और इतनी शर्मनाक बात है यहाँ पे बैठ के ये जो लोग आर्मी के एक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं जो लोग आर्मी चीफ को गली का गुंडा कहते हैं वो यहाँ पे आके आज इस तरह की बातें कर रहे हैं जब हमारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए उसी लाइन पे और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है कि आज तक जिसने कोई भी आर्मी का एक्शन नहीं लिया अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो वो बीजेपी की सरकार के दौरान ही हुआ अगर पहली बार एयर स्ट्राइक लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी कोरोना योद्धाओं पर जो सम्मान दिया उस पर भी दिक्कत है आपको जवाब दिया गया और नहीं सुचारिता जी एक मिनट में सबकी बात जारी से सुन लीजिए और हमसे कह रहे हैं संजीव जी सुन लीजिए हर किसी को हैकल थोड़ी करेंगे पाकिस्तान तो पूरे विश्व का टेररिज्म का एपी सेंटर बना हुआ है हमारे जितने डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो भी इस बात को जानते हैं दुखद ये है सुचारिता जी कि वो पाकिस्तान जो अपने सिटीजन्स को अपने नागरिकों को नहीं संभाल पा रहा जहां ये ही नहीं पता चल रही है कि कितनी मौतें हुई हैं कितने लोग बीमार हैं उनको अपना डेटा तक वो नहीं दे पा रहे वो इस तरह की हिमाकत कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है सुचारिता जी इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलेगा और पाकिस्तान को हम लोगों को पाठ पढ़ाने के लेसन सिखाने के एक नए अनेक रास्ते हैं और वो उनको वो सबक सिखाया जाएगा सबक सिखाएंगे वो तो जवाब देंगे लगातार इसी तरह की बातें करते रहिए वो जाता है क्या सिर्फ बातें हुई हैं आप इसी तरह से बातें हुई हैं जो है उसको ऐसा सबक सिखाइए की जरूरत है कि दोबारा वही बात ठीक है वो सबक क्या होगा संजीव जी वो सबक क्या है आप एक बार वो सबक क्या है आपने लगाम ठीक है आज बताइए वो सबक क्या होगा पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है और यहाँ बैठ के ये गाली दे रहे हैं नहीं नहीं संजीव जी आज बताएंगे वो सबक क्या होगा जो वो सिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को बताइए क्या सबक होगा किसको गाली दे रहे हैं क्या सबक होगा वो संजीव जी बता दीजिए किसको गाली दे रहे हैं ये तो बताइए पहले बताइए संजीव जी आप गाली गलौज सेना को आगे करके आप चाहते हैं कि सेना के सवाल पर जनता पार्टी के सेना को आगे किया ही इसलिए है कि अब इस पे भी कोई सवाल खड़ा ना करे आपने कोरोना जैसे महामारी में भी सेना को आगे इसलिए खड़ा कर दिया आपके लीडर बोलते हैं आर्मी चीफ गली का गुंडा है नहीं तो उसमें दिक्कत क्या है भाई संजीव जी मैं एक मिनट आपको हर चीज से दिक्कत है आपको सेना आपको सर्जिकल स्ट्राइक से बालाकोट से दिक्कत थी अब आपको कोरोना योद्धाओं के सम्मान में भी दिक्कत है भाई दिक्कत क्या है फ्रॉम वन सोल्जर टू दी अदर अगर सम्मान व्यक्त किया जा रहा है तो संजीव कौशिक को क्या दिक्कत है भाई दिक्कत यह है कि 5 सैनिकों की शहादत हो गई और ये फूलों की बारिश कर रहे हैं हॉस्पिटल के ऊपर हमें दिक्कत इस पे है हम है ना करोड़ों हौसला अफजाई की ना की जाए एक मैं बात करना चाहता हूँ संजीव सारे हिंदुस्तानी साथ संजीव सुनिए आप संजीव मैं बता रहा हूँ मैंने इस लेवल का बोलिए इस लेवल की जो आप बात कर रहे हैं ना
मैंने इस लेवल की हिपोक्रेसी और लैक ऑफ इंटेलिजेंस नेशनल टीवी में आज तक नहीं देखा जो आप जिसका मुजाहरा कर रहे हैं यहां पे। दो चीजें हैं, सुनिए पहली बात, आप ऐसे हाथ मत करिए, मैं जो समझा रहा हूं सुनिए, यू आर गेटिंग एन एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, इंडियन आर्मी का अफसर आपको टीच कर रहा है, एजुकेट कर रहा है, सुन लीजिए, अब सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। नंबर वन, नंबर टू, सबसे बड़ी बात यह है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में जो वहां पे डेथ्स हुई हैं उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज, ऐसा नहीं कि हमारे जवान शहीद हो गए, हमारे अफसर शहीद हो गए और हमने बोला चलो सब लोग बड़े खुश हैं, चलो हेलीकॉप्टर से फूल गिराते हैं, ऐसी बात नहीं हुई है। आपको भी पता है हर चीज में राजनीति मत ढूंढिए, क्योंकि वैसे ही आपकी जो राजनीतिक नाव है वो डूब रही है। आप क्यों नहीं समझ रहे, फौज को गाली देके आप लोग ये 44-45 से आ गए हैं, अभी और फौज को गाली देंगे आप 10-15 पे आ जाएंगे भाई लोकसभा में, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं। आप अपने टीवी पे भाई साहब, आप टीवी पे अपनी खुद की पार्टी की जड़ें काट रहे हैं, तब भी सवाल, अगर आप अकेले, अगर आप डिबेट में आए और आप चुप रहे, बिल्कुल सवाल खड़ा, आप सिर्फ चुप रहे, आप कोई सवाल ना करें आप फिर भी जीत जाएंगे, सरकार में जो रहेगा वही सवाल करते हैं, गलत सवाल करते हैं, लोग आपसे गुस्सा होते हैं, सवाल पूछे जाने का तय करें, हम सवाल नहीं चाहते, ये चक्कर है। सुनिए, दूसरी चीज है कि जो जवान शहीद हो रहे हैं, आपको पता है क्या हुआ था? आपके, खैर आपकी किसी, आपकी पूरी पार्टी में किसी को नहीं पता क्या हुआ था, आपको क्या पता होगा उसके अंदर? सुनिए, यहाँ पे हंडवारा का सुन लीजिए भाई साहब, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आपको संजीव, आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है वहां पे सिविलियंस थे, ठीक है? सुनिए, आप सवाल, कब सीखोगे मेरे दोस्त, कब सीखोगे? यहाँ पे बैठ के जैसे जैसे स्कूल का मास्टर एक मंद बुद्धि बच्चे को समझाता है, उसी प्रकार से मैं आधे घंटे से समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? कौन क्या है? सुनो, बात ये है, समझो मेरे भाई, समझो, ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में सिविलियन एरिया होता है, सिविलियन एरियाज में अनफॉर्चुनेटली सिविलियंस बीच में फंस जाते हैं, या तो आप मिसाइल मार के सबको मार दीजिए, आपके एक बंदे को खरोच नहीं आएगी, पर सिविलियन 10 मर जाएंगे। अगर आपको सिविलियंस को बचाना है तो आपको जोखिम में लेना पड़ेगा, अपनी जान को जोखिम डालनी पड़ेगी, इसलिए यह होता है। कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा है, इसलिए भारतीय सेना जोखिम लेती है, आपको समझना चाहिए, आपकी हम जश्न मनाए, ठीक है? एक मिनट संजीव जी, आपको जश्न नहीं मनाना, आप मत मनाइएगा, आप कोरोना योद्धाओं को सम्मानित नहीं करना चाहते, आप मत कीजिएगा, आपको जो करना है वो आप कीजिए, आपकी वो व्यक्तिगत राय है, लेकिन सवाल इस तरह से मत उठाइए सेना के पराक्रम पर। मैं बस ये कह रही हूँ, सेना के ऑपरेशंस पर सवाल उठाने वाले आप कौन है? मैं ये बोल रही हूँ, कर्नल सिंह वो हम तय करेंगे, वो सवाल नहीं उठा रहे, वो सवाल तय करेंगे ना, एक मिनट, नहीं तो सवाल तो आप पूछिए ना, मैं तो कह रही हूँ पूछिए सवाल। सर संजीव मलिक, सॉरी संजीव कौशिक, संजीव एक मिनट सुन लो, एक मिनट के लिए सिर्फ जी। सुचरिता और गौरव, आप दोनों उस ट्रैप में फंस रहे हैं जिसमें संजीव कौशिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने आपके टॉपिक को डीरेल कर हाईजैक कर लिया, जो टॉपिक चल रहा था वहां से हटाकर उन्होंने उसको पॉलिटिकल बना दिया, जो उसमें वो एक्सपर्ट हैं। आप लोग क्यों, मुझे समझ नहीं आ रही, क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसका हमारे टॉपिक से कोई संबंध ही नहीं है? कहां से बीजेपी इसके बीच में आ गई? हम बात कर रहे हैं हमारे, हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे पाकिस्तान को लेसन मिले? लेसन मिलने के सिर्फ दो तरीके होते हैं, एक कि पाकिस्तान से सिर्फ उस लैंग्वेज में बात करी जाए जो उसको समझ आती हो, और वो लैंग्वेज क्या है? गिव देम, ये हमारे सारे जनरल साहब समझते हैं, सिविलियंस नहीं समझेंगे, गिव देम सच प्रोहिबिटिव लॉसेस विच विल मेक देयर विल टू फाइट ब्रेक इन पीसेस। उसके अंदर एक विल होना ही नहीं चाहिए कि वो इस फाइट को, इस काउंटर इंसर्जेंसी फाइट को आगे लेकर जाए। उसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि इस फाइट को बॉर्डर के अपने पार मत रखिए, इस बॉर्डर को दूसरे पार उसके पास जाने दीजिए, जहां से वो भेज रहा है, जिन कैंप से वो भेज रहा है, मदद करिए पाकिस्तान की, मदद करिए पूरे वर्ल्ड कम्युनिटी की कि वो कैंप्स रोजाना डिस्ट्रॉय करिए। हम कोई मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे, ये हमारी पॉलिसी है, लेकिन जब ये होगा, जब इस तरह के ऑपरेशंस होंगे तब ये साथ खड़े रहेंगे मनस्वी, तब भी आप साथ खड़े रहेंगे?
मैं बता रहा हूँ आपको, जी, देश का मनस्वी की बात नहीं है, देश का हर व्यक्ति आर्मी के साथ, सेना के साथ हमेशा साथ खड़ा रहेगा। मुझे बस दो मिनट दीजिए। एक मिनट, एक मिनट, एक चीज हमारे को 70 साल की आजादी के बाद समझ आ चुकी है। नहीं, एक चीज हमको 70 साल की आजादी के बाद समझ आ चुकी है कि पाकिस्तान जो है इंक्यूबेटर है टेररिज्म का। अब हमारे को एक ऐसी स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी कि पाकिस्तान को मत सोचिए उसके ही जवाब में एक ऐसा निशान देना चाहिए जो कभी वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने आप थोड़ी देर चुप रहिए, थोड़ी देर शांत रहिए, मुझे और पैनलिस्ट को भी लेना है। मैं मनस्वी की राय ले लूं पहले एक बार। मनस्वी बोलिए। ठीक है, जिस तरीके से हम लोगों ने ये देखा है, अब पाकिस्तान को एक ऐसा निशान देने की हमारे देश को जरूरत है कि वो जिंदगी भर भूले ना और भारत पे कभी भी पीछे से पलटवार करने की कोशिश ना करे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि सेना को हमेशा राजनीति से ऊपर रखने की जरूरत है। हमारी सबकी एनालिस्ट की राजनेताओं की एक आइडियोलॉजी हो सकती है, सेना की एक ही आइडियोलॉजी है, वो है देश धर्म, देशभक्ति। उसके ऊपर कभी भी कोई भी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए हमारे को। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि जो आज सिंबॉलिक काम किया है सेना ने, मोरल बूस्टर है। आज हमारा देश एक नए एनिमी के साथ जूझ रहा है, वो है कोरोना वायरस। पुराना एनिमी जो है हमको पता है कि पाकिस्तान है, 70 साल से हमको पता है वो है, पर नया एनिमी जो है कोरोना वायरस, उसमें कोरोना वॉरियर्स को सेलिब्रेट करने की जरूरत है। ये बहुत बढ़िया किया और ऐसा हमको करना चाहिए। अब मेरी बात जो है, चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार की प्रायोरिटी सरकार को सेट करने की जरूरत है कि जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने न्यूज देखा कि सेंट्रल विस्टा फंड के ऊपर वो पैसा खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं या उन्होंने वो शुरुआत की। अभी वो समय नहीं है, उस चीज को थोड़े समय के लिए पॉज कर दें। सेना को जो चाहिए वो दीजिए, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टाफ को जो चाहिए पहले वो करें, क्योंकि पहली लड़ाई हमारी कोरोना और उसकी दूसरी लड़ाई जो पाकिस्तान के साथ है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट। लेकिन ये क्या संभव है? मनसी, आप जो बात कह रहे हैं वो संभव है क्या? देखिए, पाकिस्तान जब ये बात नहीं सोच रहा कि कोरोना के समय में उसे ये इस वार को रोकना है, लगातार इंफिल्ट्रेशन को रोकना है, इस तरह की बुद्धिली भरी प्लानिंग को रोकना है, तो हिंदुस्तान क्या सिर्फ एक फ्रंट पे काम कर सकता है? ये मुमकिन है मेरे जनरल जीडी बख्शी? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। मैंने यही कह रहा हूँ, बेशक है हमारे एक वाहियात, हमारे को एक मिनट मनस्वी सुन लो, पाकिस्तान पागल है, एक वाहियात मुल्क है, एक वाहियात और काहिल मुल्क है। भीख का टोकरा लेके कभी चीन, कभी सऊदी अरब, कभी अमेरिका के पास जाता है, कभी हमारे पास बेशर्मी से दवाइयां मांगने आता है, भारत बाप है, और जवाब में वो हमारी पीठ में छुरा घोंपता है। सर, मुकम्मल कोई एक बात यह है कि अब हमको कुछ करना है। मुझे आज बड़ी अम्यूजमेंट हुई कि फील्ड मार्शल कौशिक, संजीव कौशिक, आज बैठ के सेना के जनरलों को सलाह दे रहे थे, लड़ाई लगातार सीखते रहे, चिल्लाते रहे, हम कोसते रहे, नहीं करते रहे। मैं क्या फील्ड मार्शल कौशिक से पूछ सकता हूँ कि आप बताइए, आप अगर इतने एक्सपर्ट हैं सेना के मामलों में, आप बताइए पाकिस्तान को क्या किया जाए? सर, नहीं है, आप एक्सपर्ट हैं, जहां तक हमारा तजुर्बा जाता है, हम तो आपके तरफ जहां तक हमारा तजुर्बा जाता है, तो फिर हम तो करने दीजिए, हम तो आपसे चाहते हैं कि आप मुकम्मल को एक रास्ता बताइए। आप जब आपसे ठोस सुझाव दीजिए, आप सलाह दीजिए क्या करना क्या चाहिए, आपकी भी नहीं चलती है इसका मतलब, तो जब हम कर रहे हैं सुझाव दे रहे हैं, आप करने दीजिए सरकार, लीव इट टू द एक्सपर्ट्स। यहां बैठ के गरजते हैं, एक बार सरकार के हम लोग जानते हैं क्या करना। संजीव जी, पाकिस्तान को आपको दर्जे हरारत बढ़ानी पड़ेगी। उस वक्त आप उनकी लीपा पोती मत करिए जब अगली स्ट्राइक होती है उनके ऊपर। मैं संजीव जी आपसे यही पूछ रही हूँ, आपको ये लगता है कि सेना अपना काम जानती है कि नहीं जानती है? संजीव जी, आपको शक है क्या उसमें? मुझे लगता है शक है क्या उसमें आपको? जो सेना यहाँ पे गरज रहे हैं वो एक बार सरकार के ऊपर बरस जाए कि सरकारों को ऐसी करने चाहिए, सरकार उनकी बातें सुने, सरकार के ऊपर वो चढ़ जाए कि उन्हें दिक्कत होगी तो वो गरजेंगे। आपको आप घर बैठे ये क्यों मानकर बैठे हैं कि उन्हें दिक्कत है पर वो गरज नहीं पा रहे हैं?
आप ये मानकर बैठ गए कि उन्हें दिक्कत है पर वो गरज नहीं पा रहे हैं। अरे सर इसीलिए तो मैं इसीलिए आप वॉर वेटरन्स की भी बात नहीं मानेंगे, आप सेना के अधिकारियों की बात नहीं मानेंगे। प्रफुल्ल बख्शी, बिग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, हम सबकी बात मानेंगे सुचारिता, हम सबकी बात मानने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं ये बोल के कोशिश कर रहा हूँ कि हमें कौशिक साहब को भी समझा दिया है और हमें समझने की बात है कि इस बात पे एक्शन लिया जा रहा है, पर वो सोचते हैं कि हम बता दें क्या एक्शन लिया जा रहा है। आप इस बात की चिंता ना करिए, करेक्ट एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, इनको दो एक्शन में इतना दर्द हुआ, अब आप आगे कैसे समझा सकता हूं? ये करेंगे चाहे उनको हमें पीओके लेना पड़े, चाहे हमको उनका ब्लॉकेट लगाना पड़े, चाहे उनका गदार पोर्ट को ऑक्यूपाई करना पड़े, जो मर्जी करें, ये हम ये सरकार पे और फौज पे तो छोड़ दीजिए सर, ये इस और ये इसका हल ओवरनाइट नहीं बताया जाता, आपको 6-7 महीने रुकना पड़ेगा और आपको हल मिल जाएगा। ये हम कई बार बोल चुके हैं कि पीओके को ले लो, ये सरकारें जो नहीं कर पाई ये समय पे होगा, यही सोच के और जब होगा पाकिस्तान को इतना दर्द होगा कि उसके बाद नहीं बोलेगा। पर इसके लिए आपको थोड़ी तसल्ली रखनी पड़ेगी, क्या मतलब बनता है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, तसल्ली रखनी पड़ेगी सर। हम है तसल्ली रख रहे हैं सर, इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ ही तो बैठे हैं, कर क्या सकते हैं, सुन रहे हैं कि सुनाया जा रहा है कि 40 वाले आवाज क्या उठाएंगे। देखिए हमें तो ये बताया जा रहा है कि 40 एक मिनट संजीव जी लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह को सुनिए। हाँ, आज मुझे बहुत दुख हुआ है संजीव की बातों को सुनकर और उनके तरीकों को देख के, मैं सच बोल रहा हूँ, क्या इन लोगों के लिए पूरा 40 साल मैंने देश की सेना में नौकरी किया, मैंने 10 साल जम्मू कश्मीर में नौकरी किया है, ये जो 21 RR है इसको मैं बहुत करीबी से जानता हूँ, इस यूनिट के साथ में मैंने ऑपरेशन किया, इनको हर पल देखा है। आज मेरे लिए एक बहुत गर्व का दिन है कि इस 21 RR के कमांडिंग ऑफिसर ने, उसके कंपनी कमांडर ने देश के लिए कुर्बानी दी है। मेरे को बहुत दुख है कि ऐसे योद्धा को हमने लूज किया है, और ऐसे समय के ऊपर में संजीव जी आप भारतीय हो कि आप सुन नहीं सकते हैं उस कमांडर की जो वहां पर रहा है, क्यों आ रही है आपको? उसकी रूह को नहीं सुन सकते क्यों आ रही है सर? आप चाहते हैं कि क्यों आ रही है? आप सुनिए सुनिए, आप पॉलिसी पे कीजिए ना सर, सरकार पे कीजिए, हम आपकी आत्मा को बात नहीं करेंगे, आप देश के बर्खास्त काम कर रहे हैं, आपके साथ कुछ हो। आपका जो कार्य है, आपका जो एजेंडा है, आपका जो बायस है, इस देश के बर्खास्त है, आपको ये देश माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को और इस टेररिस्ट ग्रुप को कभी भी माफ नहीं करेंगे। आप देखते रहिए अगला तरीका क्या होगा, अगला तरीका क्या होगा। अब जैसे आपने कहा ना, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं, वैसे ही मैं भी आपको कह रही हूँ, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती, या तो आप सेना का सम्मान कर लें या ये कहना बंद कर दीजिए कि 6 साल में किया ही क्या है। दोनों में से एक ही बात होगी सर, अब आप भी ये बात मान लीजिए कि दोनों में से एक बात होगी, तय कर लीजिए, या तो सेना का सम्मान कर लीजिए या कहना बंद कर दीजिए कि 6 सालों की बात, क्या किया 6 साल में आपके लिए, तो सेना की कोई उपलब्धि नहीं है, आपके लिए तो सेना के मायने नहीं है, 6 साल में क्या किया, कुछ नहीं किया, आज भी एनकाउंटर में ढेर किया है, आज भी एनकाउंटर में ढेर किया है लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर, सरकार के प्रवक्ता है, ढेर किया सरकार के ये प्रवक्ता है क्या? 5 सैनिकों ने शहादत दे दी, 5 सैनिकों की हत्या हो गई, उस पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ और आपको हमारे सवाल पे शर्म आ रही है? आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं? एक मिनट, ये क्या बात हुई भाई? सवाल में दुख क्या सिर्फ आपको हो रहा है? संजीव कौशिक, दुख सिर्फ आपको हो रहा है देश की सेना के लिए? ये दुख सिर्फ आपको है, पूरे पूरे देश है, लेकिन दुख मुझे है कि हमारे नागरिक की है। आपको गर्व नहीं है, आप एजेंडा के ऊपर में है, आप बायस के ऊपर में है, आप इससे फायदा उठाना चाहते हैं, आपको नहीं मालूम कि इस देश को बुरा क्यों लग रहा है? चैनल प्रवक्ता के जैसे हमारे ऊपर सुचारिता, मैं सरकारी प्रवक्ता के बारे में नहीं, मेजर आर्य को लीजिए, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। संजीव कह रहे हैं कि भैया आप बीजेपी या रूलिंग पार्टी या सरकार के प्रवक्ता नहीं, हम जितने भी लोग आज हैं, हम लोग यहां पे बैठ के भारतीय सेना के प्रवक्ता हैं। जिसको सरकार से, भाजपा से सवाल पूछना है, रात दिन पूछिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अलाउ मी टू कंप्लीट, बिल्कुल इनको बोलिए चुप रहिए, बहुत बोलते हैं बीच में। एक मिनट, आपको जितने सवाल पूछने आप सरकार से पूछिए, आपका हक है पूरा। लेकिन यह ऑपरेशन कैसे हुआ, कैसे फौज ने करा, फौज की कैजुअलिटी क्यों हुई,
मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जब तक आपको नॉलेज, आप अस्पताल जाते हैं कि आप डॉक्टर को ये बताते हैं कि आप मेरा इलाज कैसे करेंगे डॉक्टर साहब, आप नहीं बता, तो आप हमें हमारा काम मत सिखाइए बस। बाकी अगर आपको भाजपा को उसका काम सिखाना है सिखा दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। सवाल सवाल सरकार से कीजिए संजीव जी, सवाल आप सरकार से कीजिए, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन दो बातें एक साथ नहीं होंगी। सेना का सम्मान भी करेंगे और फिर सवाल भी पूछेंगे कि 6 साल में सेना ने किया क्या है, सोचिए इस बारे में, सोचिए इस बारे में। ये सम्मान नहीं है मेरे पास, महाभारत में इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।